नमस्कार दोस्तों, HSCC शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 3.74% की क्लियर आपको तेजी दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ देख सकते हो स्टॉक में के यहाँ पे बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे रहा है। स्टॉक काफ़ी समय से एक डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू करता आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सवाल आ रहा है, क्या स्टॉक में और भी गिरावट आने वाला है या फिर तेजी आने वाला है? तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को इस वीडियो में क्लियरली समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों नोटिस करते हैं, HSCC शेयर स्टॉक आपको एक्जैक्टली यहाँ पर एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता आपको देखने को मिल रहा था। अब इसको ब्रेक डाउन करके स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी के लिए देखेंगे स्टॉक में जो सपोर्ट लेवल 31.38 का है, रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको 44.77 पर दिखाई दे रहा है, अगला रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है 57.3। तो ये एक सपोर्ट लेवल है और अगला सपोर्ट लेवल आपको दिखाई दे रहा है 22.68 में। दोस्तों एक बात आपको और भी समझने की आवश्यकता है कि स्टॉक आप एग्जैक्टली के डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है और बार बार अपना ट्रेल लाइन को रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी तरह दोस्तों HSCC शेयर में अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो आप देखेंगे स्टॉक यहाँ पर बार बार अपना ट्रेल लाइन को रेजिस्टेंस बनाकर नीचे आ रहा है। तो अभी के लिए जो सपोर्ट लेवल है आपको दिखाई दे रहा है, स्टॉक अपना सपोर्ट लेवल के पास में है और अगर ये अपना इस रेजिस्टेंस लेवल जो 44.7 का है इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो डेफिनेटली स्टॉक में तेजी आएगा, स्टॉक 50.5 को हिट करेगा। तो सभी कंडीशन को मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की सलाह सुझाव नहीं है। वीडियो एजुकेशन पर्पज में है, इस वीडियो को एक लाइक करें। धन्यवाद।